सपा और बसपा की युति में मिलकर वरिष्ठों ने आदेश दिया है कि आप इलेक्शन लड़ें और उम्मीदवारी का ऐलान किया गया है। आपने कहा कि यहाँ वोट तोड़ने फोड़ने की बात की जा रही है। यहाँ हमारे नेता अबू आसिम आजमी साहब ने एक सीट मांगा, जो लोग यहाँ के सेक्युलर पार्टी के जिम्मेदार है, आखिर तक एक सीट मांगा। सिर्फ एक सीट इसलिए नहीं दी गई कि वो मुस्लिम को देंगे और उनको एलर्जी है मुसलमानों से। 48 सीट दिए है उन्होंने महाराष्ट्र में, मुझे बताइए आप उसमें से एक भी मुस्लिम सीट है क्या? ये लोग जब वोट मांगने आते हैं पार्लियामेंट के तो मोदी से डराते हैं, शेर आ रहा है, और आज कह रहे हैं मोदी को रोकना है, फिर कल योगी को रोकना है। कब तक डराएंगे आप दलितों, मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को? हम अपना फैसला अपने हाथ में लेके लड़ेंगे, हम जंग लड़ेंगे, हम अपना वजूद बताएंगे और इंशाल्लाह हम अपनी कामयाबी दर्शवाएंगे, हम कामयाब होके रहेंगे। सर, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण है तो दूसरी ओर भाजपा की ओर से प्रताप पाटिल चिखली कर रहे हैं। हाँ, दिग्गज नेताओं के सामने आप टिक पाएंगे? आपका क्या राजनीति क्या रहेगी भाई? यहाँ ये डिक्लेयर हो चुका है पूरे हिंदुस्तान में कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो रुख है, और हम कब तक आपको वोट ही डालते रहेंगे? आप हमें सत्ता में भागीदारी दलितों को, मुसलमानों को, वंचितों को देंगे कि नहीं देंगे? हम हमारा हक छीनना चाहते हैं, वो देना नहीं चाहते, हम लड़के लेंगे। ये कहता हूं बीटिंग का जो इल्जाम लगाते हैं, अरे भाई इल्जाम लगाने में क्या है? तुम आरएसएस की एक ए टीम बीजेपी है और तुम बी टीम नहीं हो सकते क्या? सवाल का जवाब है, उसका सबूत है मेरे पास। कुसुमताई प्रोग्राम में जब उन्होंने आदर्शवादी लोगों का, आदर्शवादी ने वो जो सुदर्शन चैनल का वो प्रोग्राम लिया था, तो क्या समझ के? मैंने इससे पहले भी सवाल का जवाब मांगा था कि वो प्रोग्राम आपने अपने सभागृह में अपने बनाए, कुसुमताई सभागृह में, वो लोगों ने आपकी कोसों तारीफें की हैं, क्यों की हैं, क्या वजह है? कि इसलिए कि आपका ताल्लुक उनसे है। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।